लेकिन दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नई जर्नी में। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बैंगलोर से गुलबर्गा तक ट्रैवल किया था नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस में। खैर आज हमें सैफ्रन वाला रेक नहीं मिला था, आज मेंटेनेंस के लिए गया था इसलिए आज ये वाला रेक मिला था। पर आज आप लोग मेरे साथ समय काटने वाले हो गुलबर्गा में, क्योंकि अगली ट्रेन मैंने कराई है पुणे की, जो कि रात 1 बजे आने वाली है। काकीनाडा टाउन मुंबई की ओर जाती है वो ट्रेन, तो उसमें ट्रैवल करेंगे और 1 बजे तक यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का, वो सभी चीज़ आपको दिखाऊंगा, स्टेशन भी घुमाऊंगा, खाने पीने की चीज़ लेकर सब चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे आज के इस वीडियो में। बाकी इससे पहले जिन लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे आप देख लो, तो एक सीक्वेंस बनी रहेगी। अब चलते हैं, स्टेशन घूमा जाए और रात में अपनी ट्रेन बोर्ड करेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ एंजॉय करिए इस जर्नी को। गाड़ी की साफ़ सफाई में भी कोई कमी नहीं रखी है स्टाफ ने। बाकी यहाँ पे एग्जिट है, शाम में चलेंगे चाय पीने के लिए भी। कोणार के आने वाली 11:25 पे, और ये देख लो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा यार, स्टेशन के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे आपको स्नैक्स आइटम तो मिल ही जाएगा, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, बिस्किट वगैरह और मास्क वगैरह भी अवेलेबल है कोविड का। खाने पीने के स्टॉल आ गए, थोड़ा वहाँ भी देख लेते हैं। के समय में भजिया और वड़ा भी अवेलेबल है 11 बजे, और स्नैक्स आइटम अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म पे ना जो स्टॉल था उसमें नूडल्स एंड फ्राइड राइस भी अवेलेबल थी, तो ये आगे वाला स्टॉल ही है, इस पर आपको नूडल्स फ्राइड राइस सब कुछ मिल जाएगी, और चिकन का आइटम भी था इसलिए मैंने तो ना वहाँ खाया ना मैं दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर शौक से खा सकते हो इन चीज़ों को। वंदे भारत देख करके लोग सेल्फी वगैरह खींचने लगते हैं, वो बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, मतलब एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है वंदे भारत को देख करके। स्टेशन में आगे तरफ एस्केलेटर की सुविधा भी है, लिफ्ट की सुविधा भी है, सब सुविधाएं यहाँ पे हैं। एक्सपीरियंस करते करते प्लेटफॉर्म 2 पे आया था, देखा यहाँ पे कोल्हापुर कलबुर्गी एक्सप्रेस आई है, तो आपको ये वाले कोचेज़ याद होंगे मुंबई पुणे रूट पे और सोलापुर पुणे रूट पे बहुत लगता था ये ट्रेनों में, और अब इस वाले रूट में यूज़ हो रहा है। WCM लोकोमोटिव भी लगा इस ट्रेन को, एक जनशताब्दी का कोच भी है। ये वाले कोचेस के साथ पब्लिक की बहुत यादें जुड़ी हैं, और अब जब से उत्कृष्ट हो गए कोचेस, पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे तो पसंद नहीं आता है कुछ भी, उत्कृष्ट कोचेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉपर ब्राउन लिवरी पसंद थी, ब्लू एंड अपनी नॉर्मल क्रीम लिवरी पसंद थी, बट यार ये उत्कृष्ट वाले की लिवरी नहीं पसंद है। बाकी यहाँ भीड़ देख लो आप, स्टेशन में पूरी भीड़ है रात के समय में, तो आपको ज़मीन में बैठना पड़ेगा, सीट वगैरह तो खाली नहीं मिलेगी रात में टाइम काटने के लिए। ये है कलबुर्गी का प्लेटफॉर्म नंबर 2। कोणार्क एक्सप्रेस का आवाजन दीजिए, उसके बाद चलेंगे बाहर चाय वगैरह पीने, थोड़ा 12 वगैरह बज जाएगा, उसके बाद घूमने फिरने चलते हैं। अभी कोणार्क आने वाली है, देखते हैं क्या हाल होगा उसका। डीजल इंजन रेस्ट कर रहा है और यहाँ पे एक और गुड्स ट्रेन। गुलबर्गा में शांति को खत्म करते हुए रात में रेलवे स्टेशन में कैसा लगता है इस एक्सपीरियंस को आप लोग एंजॉय करिए। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं लगाऊंगा, प्योर ट्रेन्स एंड ट्रेन साउंड। अच्छा दूर पे वंदे भारत का रेक देखो, वहाँ रेस्ट करने पहुँच गया, शायद आपको लाइट दिख रही हो, वो दूर पे जो ब्लिंक हो रही है ना वो वंदे भारत की लाइट है। कोणार्क भाई अपनी थोड़ी लेट है तो 11:30 तक आएगी। अब एक गुड्स ट्रेन यहाँ पे निकल रही है और एक और आ गई। जैसे पार किया।
ये देखो ट्रेन से आने के पहले कुछ ऐसा हाल होता है। यहाँ पे कोणार्क एक्सप्रेस आ रही है जो कि मुंबई से भुवनेश्वर के बीच में चलती है। मैंने सोचा आज रेलवे स्टेशन की नाइट दिखाई देते हैं कैसी होती है। देखो अभी तक सीट खाली नहीं थी, अब यहाँ पे सीट खाली हो जाएगी। अगर आप ऑक्यूपाई करना चाहो तो अब आपका नंबर लगेगा। कवच फिटेड WAP-7। कोणार्क बहुत अच्छी ट्रेन है, जल्दी मैं भी इसमें ट्रैवल करने वाला हूँ। और इसके जनरल में घुसने की तो जगह है, पर हाँ भाई सोने वगैरह की जगह आपको नहीं मिलेगी। और ये यहाँ पे शुरुआत में ही स्लीपर के कोचेज हैं। तो ये रहा S9, जिसमें हाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है स्लीपर में, फालतू की भीड़ नहीं है, जितनी सीटें उतने यात्री और बिल्कुल साफ सुथरे स्लीपर के कोचेज भी हैं। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद कोणार्क एक्सप्रेस सारी भीड़ को समेट के यहाँ से निकल चुकी है। एक डेली ट्रेन है ना, इसलिए यहाँ पर स्टेशन में भी भीड़ इसी के कारण थी। अब मैं जा रहा हूँ बाहर चाय वगैरह कुछ पीएंगे, क्योंकि गाड़ी अपनी रात 1 बजे है तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। उसके बाद अपनी गाड़ी के लिए फिर से आएंगे, और यहाँ पर अगर कोई गाड़ी आती है ना तो वो आपको फिर दिखाऊंगा। अभी कोणार्क निकल जाए यहाँ से पहले। ये कोच बढ़िया लगा। अच्छा ट्रेन में फर्स्ट एसी का कोच नहीं है, केवल 2 टीयर 3 टीयर और स्लीपर के कोचेस जनरल के कोच के साथ। ये गई कोणार्क एक्सप्रेस, क्या एक्सेलरेशन था ज़बरदस्त यहीं पे। रात के समय इंडियन रेलवेज़ और इंडियन रेलवेज़ के रेलवे स्टेशनों का हाल आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं सोने वाला है आज। तो ये है बाहर से रेलवे स्टेशन, चलते हैं थोड़ा चाय वगैरह कुछ पिया जाए, फिर वापस आएंगे स्टेशन में। भाई यहाँ पे चाय वाय की दुकानें तो पूरी बंद है स्टेशन के बाहर, 12 बजे हो जाता है सब बंद। अब चलते हैं स्टेशन के अंदर वापस। एक निरीक्षण हो गया गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का आज। बाकी मेरे को कुछ खाने का मन था तो मैंने ये ले लिया, इसे दिल पसंद शायद बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाय भी लिया है, पानी का बॉटल भी लिया है। यहाँ से बाहर तो दुकानें सारी बंद थी, नहीं किया था कि इतनी बढ़िया चाय रेलवे स्टेशन मिलेगी। बाहर भी आपको इतनी अच्छी चाय नहीं मिलती जितनी यहाँ पे मिली। अभी स्टॉल पे अपने को मिली है, और TN कॉफ़ी वेज नॉनवेज स्टॉल के बाजू वाला है, बहुत बढ़िया मिली है। अब कैसे आपको समझाऊँ, ये जो लाइसेंसी की शॉप है ना JN SN Jorgensen's, उसके बाजू वाली, वहाँ पे आपको बढ़िया चाय मिल जाएगी। नहीं किया था कि इतनी अच्छी चाय रेलवे स्टेशन मिलेगी, मतलब लिटरली 10/10 रेटिंग वाली चाय है। और ये रही वो शॉप, ये भी आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप चाय ले सकते हो। मैंने एक बन भी लिया है, बढ़िया लगी, मतलब मज़ा आया। रात में इतनी अच्छी चाय बाहर भी शायद नहीं मिलती जितनी बढ़िया यहाँ पे मिली स्टेशन में। अभी वेट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म 2 पर हैदराबाद एक्सप्रेस आने वाली, मुंबई हैदराबाद, उसके बाद अपनी गाड़ी आएगी। और भी बहुत सारी ट्रेनें बीच में। मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस यहाँ पे आई है। यहाँ पे निकली मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस। यहाँ पे निकली मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस, हुसैन सागर नहीं है उसका दूसरा हिस्सा है। और अभी हैदराबाद हुबली एक्सप्रेस भी आने वाली है, जो कि 4.5-5 घंटे लेट है। अगर इससे आप जाएंगे तो AC कोचेज आपको आगे की ओर मिलेंगे, 3 2-टीयर के साथ। गाड़ी ने तो पिकअप पकड़ लिया है, पर भीड़ यहाँ पे देखो बढ़ती चली जा रही है प्लेटफॉर्म में। रात के 12:10 हुए हैं, लोग खुले में सोने को तैयार हैं। कंप्लीट AC एक्सप्रेस वाला माहौल है। लास्ट में 2 स्लीपर के कोच और 1 जनरल, इसलिए जो स्लीपर के कोच है उनका हाल भी जनरल जैसा हो रखा है, पर ये वाला जनरल काफ़ी खाली था।
हैदराबाद हुबली एक्सप्रेस आ चुकी है 4 घंटे लेट है। फर्स्ट एसी का डेडिकेटेड कोच है, एसी 2 टीयर 3 टीयर स्लीपर सब है, और मैं तो ज़मीन में बिठा के बैठ गया, अखबार लेके आया था उसी में बैठ गया, पूरा स्टेशन पैक हो रखा है, वहीं बैठने की जगह ना, और यहाँ कम से कम ठंडी हवा आ रही है, मौसम गर्म हो चुका है भाई। इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करना है तो हर चीज़ सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक तरफ ट्रेन का अराइवल हो रहा है, उधर WCM हुबली एक्सप्रेस ले तो इतनी भीड़ गई है कि क्या बताऊं आपको मैं, ऐसा लग रहा है सब खाली हो गया, देखो उसकी वजह से। तो यहाँ पे आ रही है नई दिल्ली बेंगलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस आधे घंटे की देरी के साथ, 12:40 हो रहा है लगभग। आज हम लोग वंदे भारत से बेंगलोर से कलबुर्गी आए हैं और ये ट्रेन बेंगलोर ही जा रही है, और ये लगभग 12 घंटे का समय लेगी अभी जाने में, और हम लोग 8 घंटे में आए हैं, कल दोपहर 12 बजे तक बेंगलोर पहुंचेगी। आप समझ लो वंदे भारत ने कितना टाइम यहाँ पे शॉर्ट किया है। और यहाँ कर्नाटक एक्सप्रेस को सिग्नल मिल चुका है, अच्छा मैंने बातों बातों में ध्यान नहीं दिया, गाड़ी और ज्यादा लेट है, ट्रेन यहाँ पे रात के 1 बजे आ रही है। चलिए आप लोग के लिए सूचना है कि अपने फोन और टीवी का वॉल्यूम कम कर लो, क्योंकि हॉन्क आने वाला है कर्नाटक एक्सप्रेस का। यहाँ निकली कर्नाटक एक्सप्रेस। वीडियो में ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें बस कलबुर्गी से पुणे के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऐसे रात में स्टेशनों में रुकना और ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करना, आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, और ट्राई करेंगे हम लोग। बाकी जनरल में इसमें घुसने की हालत तो नहीं हो पाएगी भाई, घुस जाओगे आराम नहीं कर पाओगे, पैक गाड़ी रहेगी पूरी। ये है कर्नाटक एक्सप्रेस पूरी पैक ऑलमोस्ट जा रही है यहाँ से। रात 1 बजे हमारी ट्रेन का भी अनाउंसमेंट हो रहा है काकीनाडा लोकमान्य तिलक 17221। अब फाइनली बोर्ड करेंगे और आराम करेंगे, पूरे दिन की थकान है आज। I have your attention please. 17221 काकीनाडा लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3 एयरपोर्ट बेलमेसी 1 2 7 2 7 2 1 2 ये तो WAG-9 के साथ आ गई आज, पहली ट्रेन है जो गुड्स लोकोमोटिव के साथ आ रही है, लेकिन हाँ चमचमा रही है पूरी ट्रेन, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। काकीनाडा पोर्ट लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस।
भाई गाड़ी में तो पूरा अंधेरा है यहाँ पे, ये रही अपनी साइड लोअर। और आज रात देखो एक भी सही बकटी, इसको करते हैं बंद। यहाँ पे अपना डिपार्चर फाइनली हो चुका है गुलबर्गा से, यानी कलबुर्गी जंक्शन से। चलिए अब सुबह मुलाकात करते हैं, अभी सोया जाए, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और थकान भी अच्छी खासी हो चुकी है यहाँ पे वेट करते करते ट्रेन का। अब एसी कोच मिल गया, अब नींद बहुत बढ़िया आएगी, सोते हैं। कल सुबह पुणे पहुँचने से पहले मुलाकात करते हैं, देखते हैं कब तक गाड़ी पहुँचती है। टाइम तो 7:50 का दिया हुआ है। इंप्रेशन गाड़ी का बहुत बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है, और जिस सीट में मैं हूँ वो भी बहुत साफ सुथरी है, तो 10/10 है। और स्टाफ भी बढ़िया है, तुरंत आके मेरे को बेडरोल वगैरह उन्होंने लाकर दिया, कोई डिले नहीं कुछ नहीं, अब सुकून से सो सकते हैं। कल सुबह मुलाकात करते हैं पुणे पहुँचने से पहले, देखते हैं कहाँ नींद खुलती। 7:50 टाइम है, देखते हैं क्या होता है जर्नी में। बाकी यहाँ तक आपको मज़ा है कि नहीं नाइट रेल फाइनिंग करके कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। सभी को अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, ट्रेन हमारी दौंड वगैरह सब कुछ निकल चुकी है जब मैं सो के उठाऊँ। वैसे बहुत ज़्यादा स्टेशन नहीं बचे थे बीच में, सोलापुर और दौंड ही बचे थे पुणे, लेकिन मुझे लगता है राइट टाइम पहुँचेगी। और यहाँ मौसम ऐसा हो गया जैसे बारिश हुई हो, मॉर्निंग वाइब से अलग है। तो अभी सो के उठ रहे हैं, पर किसान ने देखो अपनी जो जिम्मेदारी है देश के लिए वो पूरी करना शुरू कर दिया इतनी सुबह से। ऐसे नहीं किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, देख लो सूर्योदय भी अभी ढंग से नहीं हुआ है यहाँ पे मौसम की वजह से। गन्ने के खेत दोनों तरफ। टाइम था तो मतलब आउटर पे तो हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे कोल्हापुर जाने वाली लाइन अपनी मिरज वाली लाइन वो आ चुकी है, मर्ज हो गई है। धीरे धीरे ट्रेन एंटर कर रही है, 8 से पहले पहुँच गई, यही बड़ी बात है, मतलब कोई डिले नहीं हुआ यहाँ पे। पूरा यहाँ पे जैम लगा हुआ है, सभी लोग उतरने के लिए पूरा तैयार हैं, गेट पूरे पैक चल रहे हैं गाड़ी के। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म में गाड़ी जाएगी अभी। अभी तो आप लोग देख लो एंट्री हो ही रही है। अच्छा बैटरी भी डाउन है यहाँ पे। अच्छा आप देखो 8 बजने से पहले ही गाड़ी पहुँच चुकी है, शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। पुणे में देखिए इस ट्रेन से कितनी सवारी उतरती है और कितने सारे लोग इसमें चढ़ते हैं। ये गाड़ी लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, साफ सुथरी भी थी और पंक्चुअलिटी वगैरह सब कुछ थी। हाँ एक चीज़ इसमें पैंट्री का नहीं है, तो खाने पीने की चीज़ें सुबह से आपको चाय पानी कुछ नहीं मिलेगा, तो पानी वगैरह का इंतजाम अपने स्टेशनों से ही करके चलना, वरना दौंड वगैरह ऐसे बड़े स्टेशनों में आप चाय वगैरह ले सकते हो। पुणे में भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन है, लाइन्स तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर दिखा दी। और ये जो ट्रेन है ना ये सप्ताह में केवल 2 ही दिन चलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सुबह 9 बजे चलती है काकीनाड़ा से, विजयवाड़ा के रास्ते सिकंदराबाद होते हुए इस रूट पे आ जाती है। अभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस ट्रेन से आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हो, रिकमेंडेड गाड़ी है और ऑन टाइम भी आप कह ही सकते हो। यहाँ पे सही समय से पहुँच गई, मुंबई भी आपको यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनस भी पहुँचा देगी। यहाँ मल्हार भाई हमारे आ चुके हैं, जा रहे हैं हम लोग अभी नहा धो के दगड़ूशेठ दर्शन करने, और उसके बाद आज शाम में एक और ट्रेन जर्नी, वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। बैक टू बैक जर्नी चल रही है भैया की, मतलब मेहनत देखो। मिलते हैं जल्दी नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।